Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, आज फिटनेस फाइटर के चैनल पे आज और एक बार आपका स्वागत है। आज हम लोग लेडीज के वर्कआउट बताने वाले हैं। सो लेडीज का वर्कआउट आज आपको काफी टाइम से आप पूछ रहे थे कि कुछ लेडीज का वर्कआउट बताइए। तो आज हमारे पास एक ऐसे शख्स है, शी इज अ मॉडल, वो मेरे स्टूडेंट भी है। तो उनको हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, उनके हर एक वर्कआउट आपको बताएंगे। और मोंटू, आई एम सॉरी, आपका तो आज काम है नहीं सर, क्योंकि लेडीज का वर्कआउट है ना, तो आपका काम सिर्फ इंटर तक था। चलो गाइस, मैं जा रहा हूँ, और वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी हो प्रॉब्लम्स तो कमेंट में बता देना। सो गाइस, जो हमारे साथ में जो शख्स है वो मेरी स्टूडेंट है और एक मॉडल भी है। सो उनका नाम है श्रुति तुली। ओके श्रुति, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। सो आज जो हम वर्कआउट करने जा रहे हैं, ये बहुत ही हार्ड वर्क करती है एक्सरसाइज के लिए। इन्होंने अराउंड लास्ट वन मंथ में इन्होंने अराउंड 5 kg इन्होंने लॉस किया हुआ है। 5 kg ना? Yes. शायद ज़्यादा भी हो गया अभी। तो आपका कंप्लीट वर्कआउट हम प्लान करेंगे। मोस्टली हम जो प्लान करेंगे लेडीज लोगों का लोअर पार्ट, क्योंकि उनका लोअर पार्ट जो रहता है वो काफ़ी हैवी रहता है। तो हिप्स, द कंप्लीट लेग्स और अब्डोमिनल एक्सरसाइजेस, ये आपको सब बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट वर्कआउट। फर्स्ट हम लोग मार्चिंग से स्टार्ट करेंगे। वार्म अप बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना वार्म अप के आप पुशअप, स्क्वाट या डायरेक्ट जंपिंग के लिए जा नहीं सकते। आपके एंकल इंजरी हो सकती है, आपको कुछ भी मसल इंजरी हो सकती है। तो आपकी सेफ्टी के लिए हम आपको स्टेप वाइज बताएंगे। ओके श्रुति, लेट्स स्टार्ट मार्चिंग। हर एक वर्कआउट रहेगा वो 20-30 सेकंड्स का रहेगा। आपके स्टेमिना पे डिपेंड है कि आप कितना कर सकते हो। टेन सेकंड्स, एंड रेस्ट एंड स्टार्ट जंपिंग। जंपिंग करते समय एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, आपका नीज जो रहेगा हमेशा सॉफ्ट रहेगा। आप डायरेक्ट आपको नीज पे जंप नहीं करना, आपकी नी इंजरी हो जाएगी। तो जंपिंग का भी एक फॉर्मेट है, टोस पे करना है और नीज सॉफ्ट। 20 सेकंड्स 30 सेकंड्स जितनी आपकी कैपेसिटी है। ओके स्विच जंपिंग जैक्स। इसमें भी आपको नीज सॉफ्ट रखना है। 20 सेकंड्स 30 सेकंड्स ये बैक टू बैक आपको एक्सरसाइज करनी है। स्पॉट जॉगिंग, आपकी नीज जितनी ऊपर आएगी आप उतना ही पुश करिए, क्योंकि इसमें भी अगर आप ज्यादा ऊपर लिफ्ट करें, आपका वेट ज्यादा है, तो आपको गिरने के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। तो आप सेफ रहिए, बहुत जरूरी है। इनकी फ्लेक्सीबिलिटी अच्छी है तो ये नी अब तक जा रहे हैं। 5 seconds 4 3 2 1 इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, भी जो लेडीज जिनको अस्थमा है, जिनको बैक इश्यूज है, वो थोड़ा लो इंटेंसिटी करिए, रुक रुक के करिए, आउट ऑफ ब्रेथ ना हो जाए, उनको कुछ तकलीफ ना हो जाए, तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। कुछ भी सवाल रहेगा आप जरूर पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट वर्कआउट जो हमारा रहेगा वो है लेग्स एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने बताया कि लेग्स बहुत जरूरी है लेडीज के लिए, क्योंकि उनका लोअर पार्ट बहुत हैवी रहता है। ओके श्रुति, स्क्वाट्स 15 counts 1। और इसमें ब्रीदिंग रहेगा, जब आप नीचे जाओगे तो ब्रीद इन, ऊपर आओगे तो ब्रीद आउट। ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें जो वर्किंग मसल्स जो है आपका क्वाड्रिसेप्स, मतलब आपका जो फ्रंट था है, आप डीप सिटिंग करोगे तो उसमें आपका हैमस्ट्रिंग भी इन्वॉल्व हो जाएगा, लेकिन अब डीप सीटिंग मत करिए। फिटनेस लेवल अगर लो है तो आपको लोअर बैक में भी कुछ भी पुल आ सकता है। रिलैक्स, सुमो स्क्वाट्स। सुमो स्क्वाट्स में जब आप गौर करिएगा, आपका जो है ना टोस बाहर की तरफ रहेगा और आपके नीज जो है आपके टोस को फॉलो करने चाहिए। हिप पीछे ही जाएगा, हिप थोड़ा सा पीछे ही जाएगा, बॉडी इसमें थोड़ी सी झुकेगी, ज्यादा झुकेगी नहीं, जो नॉर्मल स्क्वाट्स के समय झुकती है। ओके 15 again 1 पुश हिप बैक, हिप को और पीछे रखिए। 2 3 4 5
सिक्स बेटर, सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन। ओके रिलैक्स। जो अगला वर्कआउट रहेगा वो रहेगा लंजेस, स्टैटिक लंजेस। इसमें आपको जो बैक जो लेग है उसका हील्स उठाना है, बैक लैग में आपको फोकस करना है, उसका नी बेंड होना चाहिए। ज्यादा करके ये फॉर्म जो है बहुत लोग रॉन्ग करते, स्ट्राइड का भी ज्यादा चला जाता है, स्ट्राइड कम रह जाता है, तो एंड अप हो जाता है नी इश्यूज में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा जिनको नी प्रॉब्लम है वो मत करिए, क्योंकि इसमें नी में और आपके इंजरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्टार्ट डाउन, एक सेकेंड होल्ड करेंगे डाउन। ये देखिए जो दोनों एंगल जो रहेगा वो दोनों 90 डिग्री का रहेगा, ये है परफेक्ट फॉर्मेट टू डू लंजेस। स्टार्ट अप टू थ्री फोर फाइव सिक्स पूरा ऊपर सेवन एट नाइन टेन चेंज करेंगे। और इसमें आपका जो है ग्लूट्स भी, मतलब आपका जो हिप्स भी जो है वो इन्वॉल्व होएगा लोअर बॉडी में। ये बॉयज भी मतलब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये स्पेशल लेडीज वर्कआउट है, तो आप लोग भी जो बॉयज जो है वो फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट वन। अभी यहां से आपको जो 90 डिग्री पूरा परफेक्ट दिखेगा, जो आपका बैक लैग जो रहेगा और आपकी जो बॉडी रहेगी वो एक अलाइनमेंट में रहेगी। फोर फाइव सिक्स, इसमें जो मसल्स जो इन्वॉल्व रहेंगे आपके क्वाड्रिसेप्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके ग्लूट्स। टू मोर लास्ट वन। ओके रिलैक्स। जो अगली एक्सरसाइज हम लोग करेंगे वो है बैक किक्स। वन टू थ्री फोर। अभी आप देख सकते हैं कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी है, तो इनका जो पैर जो है काफी ऊपर तक जा रहा है। बाकी जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, जिनका वेट ज्यादा है, वो ज्यादा ऊपर तक मत जाइए, क्योंकि ये लीन है। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप ज्यादा पुश नहीं कर सकते, फील आपको आएगा आपके ग्लूट्स में, लेकिन पतले होना भी जरूरी है, तो जितना आपसे होगा आप उतना ही पुश करिएगा। लास्ट वन एंड रिलैक्स चेंज। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ओके टेन चेंज। साइड किक्स अप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके चेंज। ऐसे घूम जाएगी अप वन टू थ्री फोर, और इसमें जो मसल्स इन्वॉल्व है वो है ग्लूट्स और आपका ऑब्लिक्स। एंड रिलैक्स। अभी हम चलते हैं हमारी अपर बॉडी की तरफ, तो अपर बॉडी के वर्कआउट भी बहुत जरूरी है लेडीज के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पुशअप से, जो हमारा बेसिक वर्कआउट है जिसमें मैक्सिमम मसल इन्वॉल्व होते। पुशअप्स तो लेडीज लोगों से ज्यादा टोस पे नहीं होते, तो नी पे ही हम बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेंथ उनमें थोड़ा सा अपर बॉडी में कम रहता है। ओके तो हम करते हैं स्टार्ट पुशअप्स ऑन द नी डाउन वन। इसमें एक चीज का ये ध्यान रखना है कि जहां आपके हाथों के दोनों सेंटर में आपका चेस्ट आना चाहिए, आपका चिन नहीं आना चाहिए, वो फॉर्मेट रॉन्ग है, उसमें आपका शोल्डर्स ज्यादा वर्क करेगा। और पुशअप्स की अगर आपको राइट टेक्निक देखनी है तो ऑलरेडी हमने उसका वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उसमें आई बटन पर जाके क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। सिक्स कम ऑन टू मोर लास्ट वन। ओके रिलैक्स। जो नेक्स्ट वर्कआउट जो रहेगा अपर बॉडी का वो है पुश प्लैंक। इसमें भी आपका अपर बॉडी जो है इन्वॉल्व होता है, आपके शोल्डर्स और ट्राइसेप्स कंप्लीटली इन्वॉल्व होते हैं। ऑन द टूज वन प्लैंक करके आपको पुश करना है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके चेंज। डाउन डाउन विद द लेफ्ट पुश वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन
एंड 10। अगले वर्कआउट पे हम चलेंगे, वो रहेगा हमारा ये आ गया, इसमें अपर बॉडी स्ट्रेंथ भी इन्वॉल्व हो गए। अभी लोअर बैक भी लाना बहुत जरूरी है क्योंकि स्पाइन है उससे स्ट्रांग रखना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग लेंगे अपना लाइन डाउन हाइपर एक्सटेंशन, पैर नीचे अप, 1 2। ये लोअर बैक का वर्कआउट है, ये भी बहुत जरूरी है। 4, इसमें आपका पैर उठना नहीं चाहिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 काउंट्स 14 15 16 17 18 19। ओके रिलैक्स। तो हर एक में जो है आपको एक एक सेट नहीं, जितने भी हमने वर्कआउट बताया उसका आपको एक एक सेट नहीं रखने, आपको एटलीस्ट दो सेट से आप स्टार्ट करिए। मार्चिंग से जैसा हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट विथ टू सेट्स, दो से आप जाइए अराउंड 15 काउंट्स 10 काउंट्स 20 काउंट्स, जो आपकी कैपेसिटी रहेगी उसके हिसाब से आपको वर्क कर रहे हैं। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है वो माउंटेन क्लाइंबिंग है, उसके दो फॉर्मेट है, वो आपको दोनों करने हैं। तो आइए देखते हैं। मैट ले लीजिए, मैट बहुत जरूरी है। ओके, बाकी वो मैट के लिए अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो नीचे के डिस्क्रिप्शन में आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। स्टार्ट, 1 2 3 4। नीज जो है आपको ऊपर तक लाना है, आपके बेली तक, जितना आप लाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। बैक आर्च, चेस्ट अप, बैक आर्च, दैट्स इट, बेटर। लास्ट 5 4 3 2। इसमें और एक फॉर्मेट है जिसको बोलते हैं डायगनल, तो हम लोग डायगनल फॉर्मेट करेंगे 20 काउंट्स का। लेट्स स्टार्ट। आपकी नीज जो है वो अंदर की तरफ जाएगी। स्टार्ट, 1 2। ये एक्सरसाइज जो है आपके लोअर एब्स के लिए काफी बेटर है। लास्ट 5 4 3 2 1। ओके रिलैक्स। सो लेडीज, नेक्स्ट वर्कआउट आपके लिए है, वो है साइड्स। एक पैर को फोल्ड कर लीजिए बैलेंस के लिए, नहीं तो आपकी बॉडी यहां वहां पर डगमगाएगी। ओके, दूसरा पैर सीधा, ये हाथ को रिलैक्स कर लीजिए जो वर्किंग नहीं है, एक कान के पास, और लिफ्ट करना, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करना है। अप, 1। क्लोज आना है आपके जो है एल्बोज को और आपके जो लेग्स को, वो काफी इसको क्लोज लाना है। 3 4। ये है आपके कंप्लीट साइड्स के लिए, आपके सिरेटस और आपके ऑब्लिक्स के लिए पूरा वर्क करने के लिए। 7 8 9 10 11 15 काउंट्स लेंगे। 12। आप देख सकते हैं कि इनका साइड कैसे वर्क हो रहा है। 2 मोर, लास्ट 1। ओके, चेंज सेम फॉर्म, एक को फोल्ड करना है आपको बैलेंस के लिए, दूसरे को लिफ्ट करना है, हाथ सर के यहां पर, सर के बैक हेड की तरफ। अप, 1 2 3। नीचे टच नहीं करना है पैर को। अप, 4 5 6 7 8 9 10, 5 more 4 more 3 2 more, लास्ट 1। ओके रिलैक्स। तो लेडीज, आपने देखा कि हमने कैसे वर्कआउट किया आपके एंटायर बॉडी के लिए, तो आप इसको फॉलो करते रहिए, आपको जरूर रिजल्ट्स मिलेंगे। इन्होंने लूज किया है, आप भी लूज करेंगे। ये जो फॉर्मेट जो है हमने जो फॉलो किया है, अगर आपको कोई इंजरी है शोल्डर में या जो लेडीज प्रॉब्लम रहती है उसमें, आपको वर्कआउट नहीं करना, डिपेंड है लेडीज लेडीज पे डिपेंड है, किसको तकलीफ ज्यादा होती है वो 3-4 दिन तक, किसको कम रहती है, जो कंफर्टेबल है वो कर सकते हैं, जो नहीं है वो मत करिए, 3-4 दिन रुक जाइए। मेन थिंग, आप डाइट पे फोकस करिए। जो आप जो है डाइट पे फोकस नहीं कर पाते, अगर आप डाइट पे फोकस करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और डाइट का, अगर डाइट का हमने वीडियो बनाया हुआ है प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट के लिए, आप चाहे तो आई बटन में जाके उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आप जो है फिटनेस फाइटर्स ऑफिशियल फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम और हमारे ये चैनल पे भी आप कमेंट के रूप में आप सवाल कर सकते हैं, और इन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं श्रुति तुली इंस्टाग्राम पे। सो श्रुति, आप हमारे कुछ फॉलोअर्स को कुछ बोलना चाहोगे? यस, आई थिंक डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सर ने बोला, अगर आपका डाइट सही है तो आप में इतना एनर्जी भी रहेगा कि आप वर्कआउट कर सको, अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आप में उतना एनर्जी नहीं रहेगा। सेकेंडली, अगर कोई इंजरी है, पुश योर बॉडी, बट इतना भी पुश मत करो कि इंजरी और वर्स हो जाए। एंड आई थिंक रेस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, या सो यस, रेस्ट इज द की। आई विल से कि रेस्ट भी करो, डाइट करो, एंड एक्सरसाइज रेगुलरली अगर आपको रिजल्ट चाहिए।
मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, सर ने मुझ पर बहुत मेहनत की है, आई हैव गेन्ड द रिजल्ट्स, आपको भी मिलेंगे. एंड लाइक द चैनल, लाइक माई पेज, लिंक इज डाउन बिलो, सब्सक्राइब. सो गाइस, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो में.